Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. मर गया था सवेरे से अबे यू तो टीवी है नहीं गधा है किसके बाप का टीवी उठा रहा है अबे किसी के बाप का नहीं सरकारी पंचायत का है अरे वाह मेरे हसिया चंद चल बैठ आजा अरे मेरे जुगाड़ू अरे टीवी को देख मन में फूटा लड्डू रे इस डब्बे में पप्पू रे टीवी को देख मन में फूटा लाडो टीवी को देख मन में फूटा लाडो सारी दुनिया इस डब्बे में पापो नाराज हो अप्पा अम्मा बीवी आंखों से दूर ना होवेगा टीवी जय हो भैया टीवी की योगा है जेल है न्यूज है खेल है न्यूज है खेल है बहू है सास है डांस रोमांस है शांति है झगड़ा है चौपाल दगड़ा है सब कुछ मिलेगा इसमें भैया चीज बड़ी अनमोल ये भैया
सुसरी तू इंगे बैठे सिनेमा देख रही, अरे घर का काम तेरा बाप करेगा। एक चाय देना भाई। ओ भाई साहब, यो क्या है? पहले तुम ये बताओ, ये जुलूस काय का है? यो गंगा जी के किनारे विसर्जन हो रहा है, बस वहीं। यहाँ से कितनी दूर है? यो बस मोड़ पे। अच्छा, अब तो बता दो यो क्या है। इसे स्टॉपवॉच कहते हैं। स्कूल में नहीं देखी? आज तक स्कूल ही नहीं देखा भाई साहब, इसे कहाँ से देखेंगे? यो किस काम आती है आपको? इससे खिलाड़ियों की स्पीड, मेरा मतलब इससे खिलाड़ियों की रफ्तार नापते हैं। संजू चल पैसे लूटते देखेंगे। अच्छा साहब, सिक्के लूटते देखेंगे? उस महकती हुई बस में बैठने से तो अच्छा था कि मैं सिक्के लूटते हुए देखता। और उस पागलपन में डूबे हम घाट पहुंच गए। फिर मेरी उस लड़के से बात हुई, उसका नाम संजय था। मूर्ति विसर्जन के ठीक बाद लोग पानी में सिक्के उछालने लगे। सिक्कों के पानी में गिरने की देरी थी कि सारे बच्चे पानी में कूद पड़े। उन बच्चों की एनर्जी देखने लायक थी। तभी एक लड़की मुझे धक्का देते हुए आगे आई और पानी में कूद पड़ी। शी केम फ्रॉम नोवेयर। उसके आने से बाकी बच्चे थोड़े ठंडे पड़ गए। वो ऐसे तैर रही थी मानो उस नदी और उन सिक्कों पर सिर्फ उसी का हक हो। मेरा स्टॉप वॉच चलने लगा। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। किरण को पसंद करते हो? साहब आपको कैसे मालूम? दिखता है भाई। लो साहब, आपको भी दिख गया, बस उसे ही ना दिखता है। अच्छा एक बात सुन, तू किरण का भला चाहता? बिल्कुल, क्यों? मैं भी उसका भला चाहता हूं। मैं उसकी जिंदगी बदल सकता हूं। ताऊ। राम राम। नमस्ते। देखिए, मेरा नाम रामप्रसाद लक्ष्मण है। मैं नई खिलाड़ियों की खोज करता हूं। आज मैंने आपकी बेटी को तैरते हुए देखा। उसमें जबरदस्त टैलेंट, मतलब उसमें जबरदस्त प्रतिभा है। अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए तो एक दिन वो बहुत अच्छी तैराक बन सकती है। आप बस अपनी बेटी को एक मौका दे दीजिए। अरे पिएगा? जी शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। अरे लैला बहुत बढ़िया आयु। शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। अरे तेरी मर्जी। देखिए, शहर में खेल का बहुत बड़ा स्कूल है। किरण वहीं रहेगी, अच्छा खाएगी पिएगी ट्रेनिंग लेगी। अबे खेल का स्कूल? अबे स्कूल पढ़ाई का वाकर है, खेल का ना। अरे हम गांव वाले हैं, गधे ना हैं। मेरे कहने का मतलब बस ये था कि आपकी बेटी तैराकी में बहुत आगे जा सकती है। लड़की का काम हो रोटी बनाना, चूल्हा चौका करना। चल चल उठ चल। ताऊ किरण को जाने दो ना। बस तेरे भी पर निकल गए हैं? तेरा मतलब है? मेरे से तो मतलब है। तू अंदर जा रही है, मैं उठूं? मुझे शहर जाना है। अरे सुसरी
अरे अंगे घर रह के तेरी भी जुबान खुल गई। अरे सुश्री तू तो क्या, अरे तेरी तो किरण तुम जाओ मैं आता हूं। साहब लेकर तुम जाओ मैं आता हूं। जाओ मैं जानता हूं किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं है, पर इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कल सुबह 7 बजे निकल रहा हूं, छोटी पुलिया पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो आ जाना। ये तो ठीक है साहब कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, पर आपको क्या लगता है वो आएगी? पता नहीं, हम लोग 15 मिनट और इंतजार करते हैं। ठीक है साहब। बस का टाइम हो रहा है। तू मेरा बोनस। भाई साहब चलेंगे क्या? शुक्रिया भाई साहब। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, सरकार और चौकीदार हमेशा सोते रहते हैं। संजय जी एक पत्थर देना। हाँ खाने के लिए सब यहीं साथ बैठते हैं। कल सुबह तुम दोनों फॉर्म भर के ऑफिस में जमा कर देना।
कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। कैसे हैं सर? ठीक ठीक। अच्छा सर, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल आने वाला है, अपने रूम में भिजवा दीजिएगा प्लीज। अब ये फॉर्म कैसे भरे? हाय, एनी प्रॉब्लम विद द फॉर्म? जी। क्या मैं आपकी फॉर्म भरने में मदद कर सकता हूँ? दीजिए। हाँ, आपका नाम? किरण मिश्रा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? चंद्रपुर। चंद्रपुर। फीमेल? यहाँ साइन कर दीजिए। कोई बात नहीं। आप ये लीजिए, यहां पे स्टैम्प, ये तो हो गया। अब थैंक यू बोलना तो बनता है। बोल दीजिए। हाँ, ये फॉर्म वहां जाकर जमा कर दीजिए। ठीक है। इसका फॉर्म भी भर देंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद भर लूंगा। कूल। भर लिया तूने? हाँ, भर रहा हूँ। कीप अप, वेरी गुड। या दैट्स गुड। नथालाल जी। हेलो आरपी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये है आपकी नई स्टूडेंट किरण। नमस्ते। हेलो किरण, वेलकम। आर्ची, प्लीज कम। ये तुम्हारी मदद करेगी। हाय, आई एम आर्ची, कम। कहां से लेकर आई ये लड़की? एक छोटे से गांव चंद्रपुर से। एक लड़का भी है एथलीट, वो उधर प्रैक्टिस कर। एक मिनट, में अभी आया। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजय, मैंने तुम्हें ट्रैक्स पे जाने को कहा था। जी, बस देखने आया था यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, तुम जाओ और वहीं रहो। चलो चलो। जा रहा हूँ साहब। सॉरी सर, पता नहीं, नया लड़का है, समझ में नहीं आता उसको। कम ऑन, लाइन अप। कम ऑन, गेट रेडी फॉर डाइव। जाओ किरण। किरण, जाओ किरण, गो। हाँ, टैलेंट तो है, पर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। वो तो आपका काम है। I'll see you later. Morning. ये लो, इसे पहने और ट्रैक पे आ जाओ, ठीक है? जी सर। सब तैयार हैं? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ऑन योर मार्क, सेट, गो। साहब। क्या साहब, आपने जूते फेंक दिए तो मैं जाऊं? उन जूतों को वापस पहनो और दौड़ो, और तब तक दौड़ो जब तक जूतों के साथ दौड़ने की आदत नहीं हो जाती। ठीक है साहब, दौड़ता हूं।
दौड़ता हूँ ना साहब। इतना गुस्सा। फिट है यार। अरे फिटू ना देख यार, कहाँ जा रहा है? ए ए मणि, पागल हो गया क्या? सर संजय, तुम अपनी प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं ले रहे हो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है? जब तक मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं दिख जाता, तब तक तुम किरण से बात नहीं करोगे। सर लेकिन, और ये बात मैंने किरण से भी कह दी है। सर लेकिन मेरी बात समझ गए? हाय, कैसे हो? ठीक। इसके बाद हॉस्टल जाएंगे? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ आप बैठिए। गुड गुड, कम आउट कम आउट। यस यस, कम आउट प्लीज। वेल डन किरण। लिसन। जी सर। एवरीथिंग इज ओके बट इंप्रूवमेंट का स्कोप है। बस हर रोज गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम। बिल्कुल सर, आप समय बताइए, आज से ही शुरू कर देते हैं। ग्रेट। हाँ कम एट 7 o'clock। नो, कम एट 8 o'clock। जी सर। कम ऑन फास्टर, लॉन्गेस्ट राइड, दैट्स इट। Well done, बहुत अच्छा। सर, well done। क्या मैं किरण से बात कर सकता हूँ? Yeah!
सर ने परमिशन दे दी है। किरण, इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं, खुश नहीं है तू? खा तो। आजकल उस समीर के साथ तेरी घनी दोस्ती हो गई है। वो मेरी बहुत मदद करता है संजय, बहुत अच्छा लड़का है। वैसे तू उससे दोस्ती क्यों नहीं करता? वो तो तुझे अंग्रेजी भी सिखा देगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन पढ़ाई से तेरा क्या जाएगा? खा तो ले संजय। मुझे भूख नहीं है। अब क्या हुआ? अच्छा बता, तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस ठीक चल रही है, पर आजकल मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। क्या संजय, हमें इतना अच्छा मौका मिला है, उसका फायदा उठा। मैं क्या कह रही हूं तू सुन रहा है या नहीं? ठीक है तो भाड़ में जा। स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। यस यस यस, स्ट्रेट। कम ऑन, कीप योर लेग स्ट्रेट किरण। कम ऑन, यस कम ऑन, स्ट्रेट इन योर बॉडी, स्ट्रेट इन योर बॉडी किरण। यस यस, कीप कीप। बस किरण, जस्ट स्टॉप इट नाउ। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसने मुझे छुआ अर्जी। तो वो तो सब लड़कियों के साथ यही करता है। सबके साथ? हाँ, जो भी उसे अच्छी लगती है। तेरे साथ? मेरी सलाह मान, कल सुबह उसके ऑफिस जा, माफी मांग और कह दे कि तू उसकी हर बात मानेगी। सर, बोलो क्या बात है? मैं आपसे माफी मांगने आई थी सर, कल की बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो समझ आ गई तुम्हें? अब पूरी तरह से कोऑपरेट करोगी? आठ बजे तुम पूल पे आ जाना। ठीक है सर।
Wow, what a figure! Perfect figure. अरे एक पीस में तो नजर ही नहीं आता था. Come on, come on, come on. फिर से थप्पड़. तेरे को तो मैं लगी भी हूँ. संजय ऊपर कैमरा है. अब इनकी रिप्लेसमेंट का क्या किया जाए? नफीसा जी. नफीसा? जहां तक मुझे पता है शी इज अ ट्रेनर समवेयर. मुझे नहीं लगता वो यहां आएगी. शर्मा जी, शी इज अ सीनियर ट्रेनर एट द नेचुरोपैथी सेंटर. उन्होंने 2 दिन मांगे हैं सोचने के लिए. मैंने नेशनल्स के एंड तक ट्रेन करने की रिक्वेस्ट की है. आई एम श्योर वो मुझे नहीं टालेंगे. एनीवे, आई हैव टू गेट बैक टू माय बॉयज नाउ. थैंक यू. क्या सर, इनकी मनमानी तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है. अब भला बताइए, नफीसा का खर्चा बर्दाश्त कौन करेगा? और जहां तक कोच की बात है, ऑलरेडी हमने घोष बाबू से बात कर रखी है. नफीसा जी के सामने घोष बाबू की क्या औकात है? शी इज एन इन्वेस्टमेंट. और क्या चौबे जी, आप घड़ी घड़ी कंप्लेन करते रहते हैं. अब आप बच्चे नहीं हैं, कमेटी मेंबर हैं. फिर इनको अब ट्रेन कौन करेगा सर? सुना है कोई नफीसा जी आ रही है. क्या करने को, रहने के लिए चली जाएगी सर? अगर तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में रहना है तो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो. सर प्लीज. सॉरी सर. किरण, तू तो चाहती होगी मैं एकेडमी छोड़ के चला जाऊं. क्या? मुझे नहीं लगता मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा. क्यों संजय, इतना तेज तो दौड़ता है तू, जरा सी मेहनत और कर दे, क्या जाएगा तेरा? मैं किरण, मैं क्या पागल हूं जो दिन भर गोल गोल भागता रहूं? ये मुझसे नहीं हो रहा है. क्या मतलब संजय, क्यों नहीं हो रहा है? तेरी वजह से. मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया? तू मुझसे दूर जा रही है. कहां? दूसरा इंस्टीट्यूट? वो तो अभी पक्का भी नहीं है, और अगर जाऊंगी भी तो सिर्फ 1 महीने के लिए. तू कोई बच्चा नहीं है संजय. किरण, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. सबसे आगे आकर दिखाऊंगा. बस अगर तू. क्या संजय, बोल. तू एक बार जाने से पहले. जाने से पहले क्या संजय? कम ऑन, खाना लग गया है. हाँ अर्ची, तुम खाना खा लो, मैं समीर के साथ बाहर जा रही हूँ. ओके, एंजॉय. हाँ तो क्या बोल रहा था तू? तू जा खाना खा ले, तुझे भी तो भूख लगी होगी ना. समीर भी आ गया है. चल मिलते हैं. ठीक है.
सामने आना। पागल कहीं का। समीर, तुम ठीक तो हो? I'm okay. Don't worry. चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, धो कर आता हूँ। तूने समीर को धक्का क्यों दिया? मैंने? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, तू उसके पीछे आ रहा था, तूने उसे गिराया है। हाँ, पीछे आ रहा था तो? मतलब मैंने उसे गिराया? उसका पैर खुद रपटा। अच्छा? हाँ। पर तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? बिल्कुल ठीक है वो, आज फिर उसके साथ कुछ छरे उड़ा पाऊंगी। और मैं नेशनल चैंपियन थी। इस एकेडमी का प्रोडक्ट हूं मैं। आई हैव कम टू ट्रेन यू ऑल। हमारी जर्नी सिर्फ नेशनल तक है। सो आवर जर्नी इज शॉर्ट, टफ, नॉट स्वीट। तो चलिए, गेट इनटू द पूल। आर यू रेडी? टेक योर मार्क। लेन थ्री, लेन फाइव, मेरे पास आके रुको। कम ऑन आउट। तुम में पोटेंशियल है, ओनली पोटेंशियल। 4 हफ्ते बाकी है नेशनल्स के लिए, 6 घंटे ट्रेन करना पड़ेगा। ओनली देन चांसेस है कि आप लोग क्वालिफाई करोगी। हिम्मत है? Yes, yes, ma'am. संजय, 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 उठो, चलो उठो, 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 चलो, 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 सीधा, सीधा, चलो, चलो, खड़ा, खड़ा, सीधा खड़ा। अच्छा ये बताओ, ये ड्रामा करके तुमको क्या मिल गया? ड्रामा मतलब? मैं उसे प्यार करता हूं सर। प्यार करते हो? तुम प्यार करके क्या करोगे? से शादी करूंगा। शराब पीकर, तोड़फोड़ करके, ये सब करके तुम समीर का मुकाबला करोगे? समीर तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, पैसे वाला है, और तुम? किरण तुमसे शादी क्यों करेगी? कहां रखोगे? क्या खिलाओगे? तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारी रफ्तार है, जिसे भूलकर तुम इस बोतल को गले लगाकर बैठे हो। तुम एक लूजर की तरह बिहेव कर रहे हो और दुनिया हारे हुए लोगों को पसंद नहीं करती। आँखों में
मेरे ख्वाब है सजे, दिल में एक नई आस है, जीतने की ख्वाहिशें सजे, होश है और जोश है, मैं तो उड़ चला अभी नीले आसमान में, होगी हर खुशी अभी मेरे साथ, रोको ना मुझे सुनो, उड़ता ही रहूं सदा, ये है ख्वाब, ये है ख्वाब, आँखों में मेरे ख्वाब है सजे, दिल में एक नई आस है, जीतने की ख्वाहिशें सजी, होश है और जोश है, मैं तो उड़ चला अभी नीले आसमान में, होगी हर खुशी अभी मेरे साथ, रुको ना मुझे सुनो, उड़ता ही रहूं सदा, ये है किरण, ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. बाय बाय. संजय, किरण तू यहाँ? मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है, गलती तो मेरी ही थी, मुझे माफ कर दे, ये तेरे लिए. कंग्रेट्स. तुझे भी. मैं चलती हूँ.
हमें आपका रूम चेक करना पड़ेगा। क्या सर? दो टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। Why? Why did you let me down like this? कौन सा टेस्ट सर? क्या कोई गलती होगी मुझसे? मुझे मालूम है लोगों का करप्ट होना यहाँ मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि तुम अलग हो। Yes, I was wrong. लेकिन मैंने किया क्या है सर, ये तो बताइए। तुमने बैन ड्रग्स लिए हैं किरण। ड्रग्स? और ये नौटंकी बंद करो। सर, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जाओ, सब मेडल लाकर इन्हें वापस कर दो। लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये ड्रग्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। दो दिन में ये कमरा खाली कर देना। Is this what Indian sports has come to? In a new low for Indian sports, gold medal winner at the national championship, Kiran Mishra, has tested positive for the banned substance nandrolone. As tension spread over the championship, our correspondent contacted Ramesh Sharma, director of the sports academy, who insisted that Kiran Mishra has not been training there for some time now. He has successfully avoided all queries regarding the surprise visits. Haan, come in. तुम बोलो। तुम्हें पता चला? किरण, मुझे क्या, सबको पता चला। आई थिंक इट वॉज अ फूलिश थिंग टू डू। एनीवे, बोलो। मुझे अपना कमरा खाली करना है कल। क्या करूं, कहां जाऊं? कोई छोटा मोटा काम ही कर लूंगी, लेकिन मैं यहां किसी को जानती नहीं। समीर, क्या तुम कहीं कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का इंतजाम कर सकते हो? आई एम सॉरी किरण, मैं तुम्हारी किसी मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड आई कैन सैक्रिफाइस देम फॉर यू। आई डोंट वांट टू रुइन माय करियर। मेरी राय में तो तुम्हें अपने गांव वापस चले जाना चाहिए। हाँ, कुछ पैसे वगैरह की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। All the best. ये तुम्हारे पास कहां से आई? ये तो मुझे आर्ची ने दिए थे सर, मेरी स्किन के लिए। इसमें विटामिन्स नहीं, बैन ड्रग नैंड्रोलिन है। स-
साली दी उसकी। संजय ज्यादा जोश में मत आओ, अब तुम क्या उखाड़ लोगे? किरण जो कुछ भी हुआ, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं नहीं। सर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने तो वैसे भी हमारे लिए इतना कुछ किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है मुझे अपना नाम क्लियर करना है और नेशनल्स फिर से जीतने हैं। एक्सलेंट, मैं कुछ करता हूं। किरण ये क्या, तूने देखा नहीं? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, संजय जी किरण अच्छे से प्रैक्टिस करना, खूब मन लगाना और अपना ख्याल रखना। आप भी ठीक है? किरण एक मिनट, चलिए। क्या सर, जब आए तो आपने फिर दूर भेज दिया। सिर्फ एक महीने की बात है संजय। अच्छा ये बैग लेकर तू कहां जा रहा था और लास्ट टाइम तू दौड़ा कब था? चल अभी 5 मिनट में जूते पहन के ट्रैक पर चलो 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 चलो। कैसी हो किरण? नफीसा जी ने बताया कि वो तुम्हारी मेहनत और प्रोग्रेस दोनों से काफी खुश हैं। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारा केस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने दोबारा कंसीडर किया और जो नया टेस्ट हुआ था वो क्लियर निकला। उसके क्लियरेंस लेटर की कॉपी भी इस खत के साथ भेज रहा हूँ। अब खूब मेहनत करो क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल्स की डेट्स 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएंगी। तुम्हारे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होगा, इसे मत खोना। अपना ख्याल रखना। किरण मैंने क्वालिफायर फेल दिया। तू सच बोल रहा है ना? तूने कर दिखाया। तू कैसी है? प्रैक्टिस कैसे चल रही है? वो तो अच्छी चल रही है, लेकिन संजय सच में तेरे क्वालिफायर्स का सुनकर इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। और बता। और कुछ नहीं, मैं बस दिल्ली आने का इंतजार कर रही हूँ। अगले हफ्ते मेरे भी ट्रायल्स है ना, तो मैं शुक्रवार को पहुँच जाऊंगी। हाँ अब तू जल्दी वापस आ जा, बहुत हो गया।
गुरुवार को पहुंच रही है, मतलब 4 दिन में। हाँ। अरे वाह, तो मैं तुझे स्टेशन लेने पहुंच जाऊंगा। ठीक है। और कोई तो नहीं आ रहा है ना? कौन संजय, कोई नहीं आ रहा। मैं आ जाऊंगा। और सुन, अभी सही बोल रहा हूँ, मैं तेरे साथ क्वालिफायर्स के लिए भी चलूंगा। हाँ बाबा, इकट्ठे चलेंगे। और बता। और क्या बताऊँ, यहाँ पेड़ है, पौधे हैं, फूल है। संजय? हाँ यार, आया। किरण, कोई किसी काम से बुला रहा है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ? मैं रखता हूँ। अपना ख्याल रख। ठीक है। बुद्धू है तू यार। ट्रैवलिंग बिल का क्या हुआ भाई? कर रहे हैं, हो जाएगा जल्दी। क्या धवन साहब तो भाई इंडिया साथ मेरा भी देख लेना बेटा। अरे वो शादी में क्या हुआ? हाँ बोलो, मैं बोली क्या? बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना। बिल्कुल सही, अच्छा सब अपना लगे। हो गया सब शुरू किया? हाँ तो रहो, कितना बजट? सर गवर्नमेंट सेंक्शन टोटल 25 लाख की है। बस सिर्फ 25 लाख? सर सिर्फ 25 लाख मतलब? अब क्या सरकार आपके लिए ताजमहल सेंक्शन करवाएगी? खैर कितने ऑफिशियल्स जाएंगे? सर वो लिस्ट तो मैंने बना रखी है सर, हम कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। हमसे मतलब? मतलब मैं और मेरी फैमिली सर। चौबे जी, 6 लोग, बाकी ऑफिशियल्स के कोटे के बारे में भी कुछ सोचिए। खैर मिस्टर भाटिया, भाटिया जी आप बताएं आप कितने लोग? हम तो 2 ही हैं, मैं और मेरी वाइफ। और सोनटके जी आप भी जरा बता दीजिए। सर इस बार तो दुबई जा रहे हैं, वहाँ तो अकेले जाने में मजा है, आपको तो पता ही है सर। हाँ धवन ये बताओ खिलाड़ियों की लिस्ट कहाँ पर? सर वो मैंने चौबे साहब जी को दे दी। अरे लेकिन धवन वो तो मैंने भाटिया जी को साइन करने के बाद दे दी थी। अरे भाटिया जी देखो ना अपने पास। हाँ मुझे कहाँ दी? अरे दिए सर। क्या मजाक है, ये नहीं दी। केयरलेसनेस की भी हद होती है, ढूंढिए जल्दी उसे। मिल गई सर, ये लीजिए, टोटल 15 खिलाड़ी हैं सर। कितने तेल वाले पकौड़े मंगवाते हो धवन? लेकिन इन 2 खिलाड़ियों की तो टाइमिंग्स बहुत खराब है, अरविंद और मनीषा। सर अरविंद तो अपने एमपी साहब का बेटा है और मनीषा अपने इक्विपमेंट्स वाले जो पीएन अग्रवाल साहब है ना उनकी बेटी है सर। अच्छा ठीक है, तो जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 25 लाख में तो हमारा ट्रैवलिंग और लॉजिंग हो जाएगा। हो जाएगा, बाकी के फंड से खिलाड़ियों का हो जाएगा, अब रहा उनका खाना पीना रहना वगैरह वगैरह। धवन एक काम करो। जी सर। सभी खिलाड़ियों से कहो कि 4 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपये जमा करा दें और एक नोटिस भी लगा दें। जी। उसमें ऐड कर दो कि हम सभी खिलाड़ियों को किट और ट्रैक सूट्स वगैरह देंगे। अभी पता चल जाएगा, इधर आ जाओ। संजय, संजय क्या देखिए? मैं क्या
क्यों? क्योंकि तुम लोगों को यहां ले आया, और तुम भी हो, तुम इसलिए हो कि बिना पूछे मेरे साथ चले आए। घोटाला करो, पैसे खाओ, ठीक है, लेकिन हम एथलीट्स के लिए कुछ तो छोड़ दो। ये साला ही सेल्फ फंडिंग का सिस्टम क्या है? स्केट और जर्सी का क्या करें सर? खिलाड़ियों की कोई अहमियत ही नहीं है। हम खिलाड़ी हैं, कोई भिखमंगे नहीं जो पैसे मांगते हैं। सर, अब आप ही कुछ करिए। कुछ कंपनीज के नंबर हैं मेरे पास, ट्राई करके देखते हैं। ये मेरे एथलीट्स हैं, ये इन दोनों की फाइल है, आप एक बार देख लीजिए। गुड, बढ़िया है। मिस किरण, राइट? यस। वाज़न्ट शी द वन इन्वॉल्वड इन दैट डोपिंग स्कैन? यस शी वाज़, बट शी वाज़ विंडिकेटेड एंड शी इज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। Well, I'm sorry, sir. I don't think we can associate our brand with Miss Kiran. I'm really sorry. Thank you. जनाब देखिए, ये सचिन और धोनी तो है नहीं जो हम इन पे इतना पैसा लगा दें। करेक्ट सर, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि ये सचिन और धोनी कभी बन भी नहीं पाएंगे। Thank you. Miss Lakshman, you're doing very good for sports. और हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिले, और इसके लिए ये हमारी कंट्रीब्यूशन है आपके लिए। थैंक यू। 1100 रुपये? मैंने बत्ती बना दी, इसका क्या करना है आपको पता ही होगा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। I'm sorry. मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ सर, आप जो कुछ भी कर सकते थे आपने किया, अब आप घर जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये तो बिल्कुल ही गलत था। मेडल्स कमाने की दौड़ में पैसे कमाना भूल ही गए। चलता हूं। पैसों के चक्रों में ना यो गलत है। एथलीट दिन रात मेहनत करता है, नेशनल चैंपियन बनता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करता है, फिर भी खुद ही पैसा दो। आरपीएल सर बिल्कुल सही है, हम अपने गांव में ही ठीक थे। गांव क्या?
विभू सिंह, उसके पास तो अपनी बेटी का ब्याह करने के पैसे ना है। हम बलदेव सिंह के पास पूरे पैसे मिल जाएंगे। वो लिचड़ आदमी, 5 साल काम किया मैंने उसके पास, 1 रुपया ना दिया कभी फालतू, किसी और को देखो। सुना है शहर में कंपनियां लोन वोन भी दे रही हैं। अब इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रकम कैसे होगी? अरे अरे संजू, अरे संजू रुकना। करते जना चलाना। जा बेटा जा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जा। प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग किरण। गुड मॉर्निंग। अरे ये तो बिल्कुल सेट है, फिट है, रेडी टू गो। जी मैम, बस तेरे वीजा में प्रॉब्लम आनी थी। मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, इसको जिता के लाना है। क्या ख्याल है संजय? जी मैम। जी मैम। अच्छा मैं रेडी होके आ जाऊं? हाँ मैम। संभल के। तुझे मेरे साथ आना था संजय। अरे 4 दिन बाद आ रहा हूं ना, हमेशा तेरे साथ ही रहूं क्या? अपना ख्याल रख। हेलो किरण। हेलो मैम। आओ बैठो। कहाँ थी? लॉबी में थी बाकी सारे एथलीट्स के साथ। मैं आपकी मदद करूँ? प्लीज। थैंक यू मैम। दुबई कितना सुंदर है ना। ब्यूटीफुल सिटी। आप बहुत लकी हो किरण। मैम संजय को भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपने आप पर फोकस करो। मैम फोकस है लेकिन मन थोड़ा घबरा रहा है। एक बार संजय आ जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। घबराहट नॉर्मल है किरण, मगर परसों तुम्हारा इवेंट है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर रेस।
मैम मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे संजय के इवेंट का भी इंतजार है। तुम बस अपने इवेंट के बारे में सोचो। मैम एक बार संजय आ जाए ना। वो नहीं आएगा। मैम मतलब वो तो परसों तक आ जाएगा। नहीं किरण, संजय के पास कंपटीशन फीस के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैम उसने पैसे तो दिए थे। हाँ भरे थे, लेकिन तुम दोनों के लिए पैसे पूरे नहीं थे और संजय ने तुम्हें चुना। तुम्हारी दिक्कत समझता हूं मैं, लेकिन सिर्फ 2.5 लाख तुम्हारी जमीन की जितनी कीमत है उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं। क्यों कर रहे हो हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बाहर से लोन दिलवा सकता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कोने में गोपाल दाजी बैठे हैं ना, चलेंगे? फीस भर दी। सर सुने, मैंने सोचा इस बार करण को भेज दिया जाए, हम दोनों अगली बार चले जाए, पैसे ना लग पाए। सर Celine
Roberta, lane 2. US is Jill Hardy. China's Jokoto D in lane 3. Also coming from France, Gina Schroeder in lane 4. Germany's Francisca Brunt in lane 5. And India's Kiran Mishra takes lane 6. The favorite for this race, Ines Fernandez from Spain in lane 7. And Amanda Poon from Canada in the last lane. The officials move in for the start as the swimmers take their positions. Chal ke rakh. Francisca Brandt of Germany has a slight initial lead as we reach the halfway stage. To be close, Fernandez in lane 7 has taken over the lead from Francisca. Oh, look at this! Amanda Poon from Canada and India's Kiran Mishra are definitely contenders here. This is unexpected. Kiran Mishra outstretches Amanda Poon. Stop us! Some welcome news for Indian sport. Kiran Mishra bagged the silver medal at the FINA World Swimming Championship in Dubai. She is the first Indian female swimmer to achieve this feat. Her performance was credible and she clocked the 100-meter freestyle race behind the Spanish gold medal winner Ines Fernandez. Okay. Welcome. Welcome, my girl. Welcome. Congratulations, Kiran.